जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अज़ीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है, ये एक दोनों ऑफिशियल ट्रेलर आया है। मूवी का नाम है दोनों, और इसके अंदर राजवीर देओल हैं, पलोमा हैं, अवनीश हैं और बरजातिया हैं, और ये 5 अक्टूबर को सिनेमाज में रिलीज़ होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोनों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोनों का ऑफिशियल ट्रेलर। रिजेक्शन से डरते क्यों हैं? हाँ यार, इतना भी बुरा क्या है हमें? हाँ मॉम, अलीना की शादी पक्की हो गई है। क्या? हाँ, तुम उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो जो कभी नहीं आएगी। क्या अलीना है कौन वैसे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुंबई में रहती है। तो क्या तुम जिंदगी भर उसी प्लेटफॉर्म पे वेट करते रहोगे? स्वेयर, मैं तुझे मार डालूंगी। अगर तू नहीं आएगा ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। नया चैप्टर तभी शुरू होता है जब तुम पन्ना पलटोगे। ये जमाना था बेगाना, तुझे जाना तो ये जाना, कोई लाखों में मिला है अपना। हाय देव, फ्रेंड ऑफ द दुल्हन। हाय मेघना, फ्रेंड ऑफ द दूल्हा। वेलकम। ओ तौबा तौबा, मेरे यारा तू है। अलीना बहुत खुश लग रही है। दूल्हा भी अच्छा है, बस वो थोड़ा सा पागल है। वो जानती हो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है? इस प्यार मत बोलना, प्यार। और मुझे देखो, मैं उस लड़की की शादी में आया हूँ जिसे मैं 10 साल से चाहता था। क्या? तो यहाँ शादी तोड़वाने का इरादा है? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली बेहतर। ओ तौबा तौबा, मेरे यारा तू है। ओ देखो देखे जग सारा तू है। मुझे तुम्हारी और अलीना की स्टोरी सुन लिया। लिसन, ये क्या पर्सनल सवाल पूछ रही हो? मैंने तुमसे कुछ भी पर्सनल पूछा है क्या? पूछ लो, आई एम एन ओपन बुक। आर यू इन एनी रिलेशनशिप? 6 साल तक आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, अब 1 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है गौरव के साथ। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ है? No. Just imagine, कोई रीस्टार्ट बटन होता ताकि सब वापस कर सके विदाउट मेकिंग एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स। कल मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, मेरी फ्लाइट है 2 घंटे में, मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। मत जाओ ना। तेरा ही था, तेरा ही है, जो पास है सब मेरे, बोलूं ये कैसे। ऑफिशियल ट्रेलर था और इसके नाम के साथ मुनासबत मुझे अभी तक समझ नहीं आई। शायद ये है कि दोनों का मतलब ये है कि दोनों की जो लव स्टोरीज है वो ख़त्म हुई हैं और एक नई लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है, शायद उसकी वजह से इन्होंने ये नाम रखा है दोनों। और इसके अंदर जो स्टोरी है वो आपको समझ आ ही चुकी होगी ऑफिशियल ट्रेलर में, कि एक लड़का है, उसकी 10 साल तक एक लड़की के साथ आशिकी में शुकी है और फिर उसकी शादी पर वो जाता है और वहाँ पर उसे जो लड़की नहीं मिलती है उसकी भी इसी तरह ही एक स्टोरी है। तो इन दोनों की आपस में एक नई स्टोरी बन जाती है, जैसे कहते हैं आशिकी 4 बन रही है। तो ये दोनों की ऑफिशियल ट्रेलर की एक नई कहानी थी। तो ये 5 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है और होपफुली आप लोगों को एक अच्छी कहानी मिलेगी, अच्छा इंटरटेन होंगे आप। तो लाजमी देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए।